दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सही स्टॉक को सेलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप गलत स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ते हुए मार्केट में भी आपको लॉस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सही स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टॉक सेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सो दोस्तों, स्टॉक को सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होती है वो होता है कि जिस स्टॉक को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो बिजनेस किस टाइप का करती है और उसमें ग्रो होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि आप उसी स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं जिसका बिजनेस आगे चल के बढ़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों लेकिन ऐसा लग रहा हो कि ये बिजनेस आगे चल के बंद हो सकता है, कम हो सकता है, तो उस बिजनेस में आपको लॉस ही होगा। तो सबसे पहले आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप आज के टाइम पे प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, तो ये बिजनेस आगे चल के कम ही होगा, ग्रो नहीं होगा, तो इसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। जबकि अगर आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है तो ये कंपनी आगे चल के ग्रो हो सकती है और यहां से आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहां पे ग्रो होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो शुरुआत में सबसे पहले आपने कॉमन सेंस का यूज करना है बिजनेस को सेलेक्ट करते वक्त। तो अब आपको समझ आ चुका है कि आपने कैसा बिजनेस वाला स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे तीन कैटेगरी होती हैं, एक होता है स्मॉल कैप, दूसरा होता है मिड कैप, और सबसे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं यहाँ पे ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर कोई 1000 करोड़ की कंपनी है तो वो कल 10,000 करोड़ की और फ्यूचर में 1,00,000 करोड़ की कंपनी भी बन सकती है, तो आपका पैसा 100 गुना होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर कोई 1,000-2,000 करोड़ की कंपनी है और उसको कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है, तो आपका पैसा ज्यादा रिस्क में होता है, और क्योंकि ज्यादा रिस्क होता है तो पैसा ज्यादा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका पैसा कम रिस्क में होता है, क्योंकि अगर उस कंपनी के साथ बड़ी कोई घटना हो भी जाती है तो वो खुद को दोबारा ग्रो कर सकती है। लेकिन वहीं पे आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा, 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें कि वहाँ पे आपको 100 गुना रिटर्न्स मिलेंगे तो ये होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और ऐसे ही जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, और स्मॉल कैप से कम रिटर्न्स मिल सकते हैं और लार्ज कैप से थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब आपने बिजनेस का टाइप देख लिया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया है, तो तीसरी चीज़ आपको देखनी होगी कि उस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या टाइम के साथ घट रहा है या फिर मेंटेन्ड है। आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ने के चांसेस हैं, और उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल घटता ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ पता करने के लिए आप उसके पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके देख सकते हैं, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसको भी कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है। अब जब आपने उस कंपनी का प्रॉफिट देख लिया है तो आपको ये भी देखना होगा कि उस कंपनी के ऊपर डेट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी 10,000 करोड़ की है और उसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि अगर ऐसी वो कंपनी है तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली आपको ऐसी ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो डेट है वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम आपको ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिनका जो डेट होता है वो उनके एनुअल प्रॉफिट या फिर 2-3 साल के प्रॉफिट से कवर किया जा सकता है। तो अभी तक आपने एक कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लिए हैं, तो अब आपको उसके कुछ फाइनेंशियल्स देखने होंगे, जैसे कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप उसके सेक्टर की और कंपनी से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा है तो वो अच्छा समझा जाता है। ऐसे ही इसके बाद आपको उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। अब हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगा हो और लगने लगा हो कि ये सारी डिटेल्स हज़ारों कंपनी की मैं कैसे सर्च करूँगा और कैसे किसी स्टॉक को ढूंढ के निकालूंगा, तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में सारी डिटेल्स देखकर एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट डिटेल जो आपको देखनी होगी वो होता है फ्री कैश फ्लो, यानी कि उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है जिसका वो यूज कर सकती है खुद को ग्रो करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। तो जिस कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला है जो एग्जैक्ट ऐसा ही लगेगा, इनके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल चीजें भी समझ जाते हैं तो इससे ही आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी होती है वो होती है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने उस कंपनी को बनाया होता है, तो मेरे अनुसार आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% से कम है। और हम जब भी आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं तो हम इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और तभी आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। एक्सेप्शनली कभी 10 रुपये से सस्ते, 5 रुपये से सस्ते स्टॉक्स ला रहे हैं तो सभी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो सकते, लेकिन उनमें भी बेस्ट जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो आप शेयर मार्केट और स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट डिटेल आपने देखनी होती है वो होता है उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो को जनरली उस सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे कंपेयर करके देखा जाता है, बट अगर सिंपली आपको समझाऊं तो प्राइस अर्निंग रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है और ये माना जाता है कि उस कंपनी के पास ग्रो होने के उतने ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप उस कंपनी का ईपीएस भी देख सकते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर। जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतना अच्छा माना जाता है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, बट अगर आप इतनी डिटेल्स भी देख लेते हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो होती है न्यूज। अगर आप बेस्ट फंडामेंटल वाला स्टॉक भी सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई खराब न्यूज आती है तो उस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है, और अगर आप कोई खराब फंडामेंटल वाला स्टॉक भी सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो आपको न्यूज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। और तो दोस्तों अभी तक तो हमने सिर्फ थ्योरी समझी है, अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ticketape.in की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद जब आप थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको वो सारे फिल्टर्स लगाने हैं जो मैंने आपको बताए थे। आपको स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक्स पहले ही नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ फिल्टर्स पहले से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप चाहें तो सेक्टर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लार्ज कैप कंपनीज देखते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। तो हमने जैसे ही लार्ज कैप पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं वो आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो सेक्टर के बेसिस पे भी स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर्स, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूं। अब आप थोड़ा नीचे मूव करेंगे तो यहां पे क्लोज प्राइस का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि उस शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो महंगा शेयर आपको चाहिए तो हाई सेलेक्ट कीजिए, मैं मिड सेलेक्ट कर लेता हूं। इसमें हमें ऐसे ही शेयर्स नजर आएंगे जिनकी प्राइस 100 रुपए से 1,000 रुपए तक जाती है। तो अभी साइड में जो स्टॉक्स नजर आ रहे हैं इनकी प्राइस 100 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में है। अभी यहाँ पे पी रेशियो भी दिख रहा है और मैंने आपको पी रेशियो के बारे में बताया था कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने मिड सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्टर्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे ऐड फिल्टर का जो बटन है आपने इस बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे फिल्टर्स आ जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो जो डिटेल्स बताई थी आप उन सबको यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपको बताया था तो वो आपको दिख रहा है, आपने इस पर टिक कर देना है। ऐसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैंने आपको बताया था, आपने इस पे भी टिक कर देना है। ऐसे जितने भी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी उन सभी डिटेल्स को आपने यहां से सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको कोई फिल्टर नहीं मिलता है तो ऊपर सर्च फॉर फिल्टर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वहां पे उस फिल्टर को सर्च करना है। जैसे यहां पे मैं फ्री कैश फ्लो सर्च कर रहा हूं, जैसे ही मैंने फ्री लिखा तो फ्री कैश फ्लो लिखा हुआ आ गया और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और मैं लगभग सभी फिल्टर सेलेक्ट कर चुका हूं, तो मैंने यहां पे डन का जो ऑप्शन नजर आ रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये सारे फिल्टर्स हमारे ऐड हो जाएंगे।
तो अब फिल्टर्स तो ऐड हो चुके हैं, अब आपको इनमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स ऐड करनी है। तो हमने पी रेशियो तक ऐड कर लिया था, अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने 15 से ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट फिल्टर है डेट टू इक्विटी का। डेट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, यानी कि कर्जा कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लो पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने जैसे ही लो सेलेक्ट किया तो आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ 4 स्टॉक्स हमारे सामने निकल कर आ गए हैं। अगर इसे मैं हाई सेलेक्ट करूंगा तो हमारे सामने वो स्टॉक्स आएंगे जिनके ऊपर लोन ज्यादा है, तो मैंने इसे लो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रमोटर्स होल्डिंग का ऑप्शन। तो प्रमोटर्स होल्डिंग हमारी नज़र में 50 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैंने हाई सेलेक्ट किया है तो 70 से ज़्यादा दिखा रहा है। ऐसे में बहुत ही कम स्टॉक्स हमारे सामने निकल कर आएंगे, इसलिए मैंने इसे 40-100 कर दिया है। इस बीच जो भी स्टॉक्स हमारे सामने आएंगे वो हमें अब नज़र आ रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 4 स्टॉक्स बचे हैं। अब ऐसे ही हम फ्री कैश फ्लो देखेंगे। फ्री कैश फ्लो जो कंपनी के पास होना चाहिए वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ कैश फ्लो होना चाहिए। तो लो नहीं होना चाहिए, मिड भी नहीं होना चाहिए, हमारी नज़र में 0 से ज़्यादा है तो ठीक है, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब बारी आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो ROCE हाई होना चाहिए, इसलिए मैंने हाई सेलेक्ट कर दिया है। तो 20 से ज़्यादा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जब ये सारे फिल्टर्स हमने लगा दिए हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ 3 स्टॉक बचे हैं, जिसमें एक है HCL टेक्नोलॉजीज़, दूसरा है विप्रो और तीसरा है इंद्रप्रस्थ गैस। ध्यान रहे कि हम लार्ज कैप स्टॉक्स देख रहे हैं, अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स देख रहे होते तो इनमें से कोई भी स्टॉक नज़र नहीं आता। तो अब हम HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे सामने HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में पूरी डिटेल्स निकल कर आ रही है। आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसका पी रेशियो भी 24 है। हमने किया था कि मिड होना चाहिए तो 24 ठीक निकल कर आया है। 90% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको उस स्टॉक को बाय करना चाहिए। उसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा है। उससे रिलेटेड जो रीसेंट न्यूज़ हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप टिकट टेप में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको रीसेंट इवेंट्स में नज़र आ रहा है कि उसने कब डिविडेंड दिया है। और अगर आप ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको फोरकास्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि 90% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं। उसके आप फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। यहाँ पर टिकट टेप में आपको लगभग सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप टिकट टेप का यूज़ करके स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर आप टिकट टेप को विजिट करना चाहते हैं तो मैंने टिकट टिप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।